नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। 3 साल बाद बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा एक बार फिर से शुरू होने के लिए जा रही है। इसके लिए चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ कई नियमों को भी बड़े कड़े कर दिए गए हैं। यात्रा की फीस लगभग दोगुनी कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस यात्रा के लिए भारतीय नागरिकों को कम से कम 1,85,000 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं अगर वो अपनी सुविधा के लिए किसी नेपाल वर्कर या हेल्पर को साथ रखता है तो तकरीबन $300 खर्चा देना पड़ेगा, जिसे ग्रास इमेजिंग फीस का भी नाम दिया गया है। चीन ने इस बार यात्रा के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनमें यात्रा के साथ साथ इसका प्रोसेस भी बहुत कठिन है। जैसे हर यात्री को काठमांडू बेस पर ही अपना यूनिक आईडेंटिफिकेशन कराना होगा। इसके लिए फिंगर मार्कर्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग भी की जाएगी। नेपाली टूर ऑपरेटरों का कहना है कि नियमों में इतनी सख्ती विदेशी यात्राओं, खासकर भारतीयों के प्रवेश के लिमिटेड के लिए बनाया गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाली टूर ऑपरेटरों के लिए एक बड़ा बिजनेस है। नए नियम बन जाने के कारण बढ़े हुए शुल्क के साथ टूर ऑपरेटर अब रोड ट्रिप से कम 1,85,000 रुपये एक आदमी से वसूल कर रहे हैं, जबकि 2019 में अगर आप रोड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो तकरीबन 90,000 रुपये खर्चा आता था। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 मई से शुरू हो चुका है। ये यात्रा अक्टूबर तक चलेगी। यात्रा के बारे में नेपाली टूर ऑपरेटरों का कहना है कि नए नियमों की वजह से इस बार लोगों का रुझान यात्रा के लिए बहुत कम दिखाई दे रहा है। यात्रा के जो नियम बनाए गए हैं उनका एक बार अच्छी तरह ध्यान से देखिएगा। तीर्थ यात्रियों को वीजा प्राप्त करने के लिए खुद उपस्थित होना होगा। ऑनलाइन कोई प्रोसीजर नहीं है। नेपाल की राजधानी काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर यात्रियों को बायोमेट्रिक पहचान प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वीजा के लिए अब कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें से कम 4 लोगों को यात्रा पर जाने के लिए अनिवार्य होना है, खुद ही वहां पर पहुंचना है। किसी वर्कर को साथ रखने के लिए 15 दिनों की तकरीबन 13,000 रुपये प्रवास फीस भी दी जाएगी। पहले सिर्फ 4,200 रुपये थी। नेपाली फार्मों को $60,000 चीनी सरकार के पास जमा कराने होंगे। इस तरह इस साल काफी कड़े नियम कर दिए गए हैं, साथ में फीस भी बढ़ा दी गई है। जो भी यात्री श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाना चाहते हैं वो एक बार ये वीडियो जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करें। नमस्कार।